हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड टेट का सिलेबस बदलेगा और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, जितने लोग गए हैं उन सभी लोगों को प्रणाम है, नमस्कार है और नतमस्तक हूं मैं उनके सामने। अब बोलोगे कि घर में बैठ के वीडियो बनाना बड़ा ईजी है, जैक ऑफिस क्यों नहीं गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स माई फैमिली, इट इज़ ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स, दैट्स वाई आई कांट गो देयर। इसलिए मैं नहीं जा सका हूं और मैं माफ़ी चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके, इसमें मेरी गलती है। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं रांची प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सका। अब देखिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आएंगे जो कि इस सिलेबस को बोलेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा सिलेबस है, अब दो, तुम तो बोलते थे जेटेट टुच्चा एग्ज़ाम है, अब तुम्हारे लिए जो है दिन में तारे तुम्हें नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, फेयर ग्राउंड पर खेलना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल पाटा पिच पर खिला दूँ, एकदम सपाट पिच है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, और फिर जब वो बैटिंग करने के लिए आए और मैं आपको बोलूं कि नहीं आपको उबड़ खाबड़ वाले पिच पे खेलना है तो आप जल्दी जल्दी आउट हो जाओगे, तो ये गलत है। मैं हमेशा से चाहता हूं कि दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, इस बात को मैं हमेशा से कहता हूं। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सी टेट की तरह सिलेबस बना दो या जे टेट 2016 के अकॉर्डिंगली सिलेबस बना दो। मैं कहता हूँ मॉडरेट सिलेबस बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वास्ट सिलेबस भी बनाइए। लेकिन आप बोलोगे कि हिंदी ऑनर्स भी आप ही करोगे, आपको इंग्लिश ऑनर्स भी करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी सभी ऑनर्स करोगे तब आप जे टेट पास कर पाओगे, ये कहाँ का इंसाफ है, ये तो गलत है। और सभी प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले और को नमस्कार है फिर से एक बार। अब देखिए, नीचे कमेंट करके ना आप लोगों को जो भी जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको डिमोरलाइज करने के लिए पुराने 16 वाले बच्चे आएंगे, आपको पता होगा, आपकी पूरी जिम्मेदारी और मेरी तरफ से पूरी खुली छूट है, जो जिस भाषा में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप उनको उसी भाषा में जवाब दीजिए। मुझे पता है कि कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि पुराने जेटेट को आप बाहर कर दो, हमने कभी नहीं कहा कि इसे बाहर कर दो उसे बाहर कर दो, हमें सिर्फ नौकरी दे दो। हमने कहा कि सब बराबर हैं। मैंने हमेशा से देखना जितने भी सीटेट वाले बच्चे हैं सब ने कहा कि सभी को बराबर का हक मिले, कोई पहले पैदा हो गया इसलिए उसे सारी जमीन जायदाद नहीं दी जाएगी, दो भाई हैं तो दोनों को बराबर बराबर का हक मिलना चाहिए, ये बात मैंने हमेशा से कही है। अब यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ना, ये कोट बड़ी जबरदस्त कोट है, पढ़ लेता हूं मैं एक बार। थोड़ी हिम्मत रख, अपनी बात रख, कोई ना सुने तो ऊंची अपनी आवाज रख, ये खुद गर्जों की दुनिया है, सबको अपनी पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है, तेरा कोई नहीं रखेगा, तू अपना खुद ख्याल रख। तो इसलिए जो है ये बच्चे जो गए हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये पहली वीडियो, ये रही दूसरी वीडियो, मैं अभी आपको दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूँ, वेट ए मिनट। देखिए, दोनों वीडियो आपने देख ली, तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जितने लोग भी गए हैं ना इन सभी को फिर से नमस्कार है, नतमस्तक है। और देखिए ना, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए कि हमें मुफ्त में नौकरी दे दो, हमें काउंसलिंग से नौकरी दे दो, हमने कभी नहीं कहा कि हमें खैरात में नौकरी चाहिए। लेकिन भैया, ये UPSC से भी बड़ा सिलेबस अगर आप दे दोगे तो कौन पास कर पाएगा? भारत का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है UPSC, इसके बाद आता है IIT JEE का एग्जामिनेशन। आपने IIT के सिलेबस को चोरी करके जो है हम लोगों के लिए सिलेबस बना दिया है। मैथमेटिक्स में जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है वो जान सकेंगे कि इसमें IIT का सिलेबस बना दिया गया है, और नीट का भी सिलेबस डाला गया, जिनका बायो सब्जेक्ट है जूलॉजी है उनको पता होगा कि नीट का सिलेबस से जो है क्वेश्चन कॉपी हूबहू जो सिलेबस है उसको फोटो कॉपी करके उतार दिया गया है। MSc का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां से जो है सिलेबस को लाया गया। अब बताओ, इस तरह की तुच्ची हरकत करने पर ये उतर गए हैं जैक वाले अधिकारी। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं मैसेज। आप पूरे YouTube पे पूरे टीचर्स की कम्युनिटी को देख लो, किसी ने भी कहा हो कि ये सिलेबस बहुत उचित है? पूरे भारत के इतिहास में देखिए, मैं ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें करता हूँ, इसलिए लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, और कौन क्रिटिसाइज करते हैं, यू नो बेटर देन मी, ये जो जेटेट वाले लोग हैं, मैंने इनके खिलाफ सरासर बात बोली है, क्योंकि ये गलत बात बोलते हैं, इसलिए मैंने इनके खिलाफ हमेशा से रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेटेट 16 वालों को जॉब नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ बेवकूफ़ पढ़े हुए हैं यहाँ पे क्वालिटी वाले बच्चे भी हैं, वो उन्होंने पढ़ाई करी और सहायक आचार्य का एग्जामिनेशन दिया। कुछ लोग खैरात की नौकरी के चक्कर में हैं कि सीटेट को शामिल नहीं किया जाता, तो इन सभी जो बचे हुए बच्चे हैं जो बिना पढ़ाई किए हुए इनकी नौकरी लग जाए, इसके लिए ये पिटिशनर भी बने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। आप एग्जामिनेशन लो ना,
पूरे एनसीटी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस दिया गया है आप उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटर लेवल के क्वेश्चन को पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एग्जामिनेशन को पूछोगे, आप हिंदी में हिंदी ग्रामर नहीं पूछोगे, हिंदी ग्रामर का पोर्शन छोटा सा है, बाकी हिंदी ऑनर्स के सिलेबस को रख दिया गया है जो कि सेमेस्टर 1 से 6 तक होता है। अब बताओ ये कहाँ से जायज आपको लग रहा है? इंग्लिश के सिलेबस को फिर उसी तरह से लिटरेचर और मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न लिटरेचर के बारे में बातें की गई है, उसके अलावा शेक्सपियर के बारे में बात की गई है। अब हमें बताओ जो जिन्होंने मैथ ऑनर्स किया है, जिन्होंने कॉमर्स ऑनर्स किया है, वो क्या जानेंगे, वो क्या जानेंगे शेक्सपियर ने क्या बातें लिखी, क्यों लिखी, कैसे लिखी, ये हमारे बस की बात नहीं है। उसी तरह से ये सिलेबस सर्वदा गलत है, और अच्छी बात है कि लोग भारी संख्या में जुटे। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी बहनें हैं, आपकी बहनें हैं, ये सड़क पे उतरी है और इन्होंने बिल्कुल प्रोटेस्ट करा है। गलत को गलत नहीं कहोगे, वो बोलते हैं ना कि आप भेड़ को भेड़ नहीं बोलोगे तो गड़बड़ आ जाएगी, भेड़ को भेड़ ही बोलना होगा, भेड़ चाल में हमें शामिल नहीं होना है, हमें अपने हक की बात करनी है और हमने अपने हक की बात करी है। ये सिलेबस बिल्कुल गलत है। अब देखो नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे नहीं क्वालिटी वाले टीचर बनेंगे। अरे भाई 6 to 8 को पढ़ाना है, IIT के बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमें 6 to 8 को पढ़ाना है, तो आप 6 to 8 के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन लीजिए, CTET के अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन लीजिए। CTET जो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन बेस्ड बनाता है उस तरह से क्वेश्चन लीजिए, आप रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन लीजिए, लेकिन ना आप ले रहे हो ऐसे क्वेश्चन को जो कि पॉसिबल ही नहीं है उसे ठीक करना। तो ये बातें हैं। अब देखिए आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी राय हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में रखिए, लेकिन आपसे नम्र निवेदन है, आपसे एकदम हम्बली रिक्वेस्ट है, जेटेट 16 वाले जो भी इस सिलेबस के सपोर्ट में आए कि हाँ ये सिलेबस ठीक है, उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करनी है आपको कमेंट सेक्शन में। मैं आपको खुली छूट देता हूँ क्योंकि इनके जो कदम हैं बिल्कुल बहके ऐसे हैं और इनको दायरे में लाने की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। ऐसे लोग ना किसी के सगे नहीं होते। आपको क्या लग रहा है कि इनके रिश्तेदार में सीटेट वाले बच्चे नहीं होंगे क्या? नहीं, ये बिल्कुल सेल्फिश इंसान है, बहुत ही स्वार्थी इंसान है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि जेटेट 2016 बहुत दिन पहले एग्जामिनेशन हुआ उसके बेस पे नहीं, नया जेटेट अगर जो पास करेगा वही शामिल होगा, हमने तो कभी नहीं कहा ऐसा। आपने पात्रता परीक्षा पास की, आप शामिल हो जाइए। हमने पात्रता परीक्षा पास करी या सीटेट की, हम शामिल हो चुके हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? आप अपने बारे में सिर्फ सोचोगे तो देश कैसे चलेगा, सिर्फ अपने लिए ही लड़ोगे तो देश कैसे चलेगा? हम सभी को सामने आना होगा और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। हमें सरकार के खिलाफ लड़ना है, लेकिन नहीं, आपको तो बस अपने हक के बारे में लड़ना है। ठीक है, अपने हक के बारे में लड़िए, आप लड़ रहे हो, आपकी एज और जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस 3 सितंबर को भी नहीं सुलझेगा, और अगर सुलझ जाए तो ये बोलते हैं ना मिरेकल, चमत्कार ही हो जाएगा कि 3 सितंबर को रिजल्ट आ जाए। देखना 3 सितंबर के बाद फिर से इन लोगों की वीडियोस आएगी जेटेट वालों की, और ये फिर से बोलेंगे चंदा दे दो, चंदा दे दो, और ये चंदा ले लेके कहां जाएंगे नहीं पता। और अगर ये सिलेबस नहीं बदलता है तो हमारे पास कोर्ट के दरवाजे को भी खटखटाने का ऑप्शन खुला हुआ है। हम लोग जाएंगे, हम लोगों ने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से जैक से बात करी है, यहाँ से अगर फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है देन हम लोग अपने स्टेप को डाउन करेंगे, पढ़ाई पे लग जाएंगे। अगर ये अपनी बात नहीं मानते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट के लिए जो भी चंदा की जरूरत पड़ेगी हम लोग चंदा लेंगे आपस में मिलकर और इसे रिजॉल्व करा लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट कीजिए और अपने भाइयों बहनों तक को अवेयर करने के लिए इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।